लालू गुप्ता, उम्र 6 साल, गायब हो गया है। लालू घर से थोड़ी दूर खेल रहा था और किसी आदमी के साथ चला गया। किसी को नहीं पता वो आदमी कौन था। बस उसी मोहल्ले की रहने वाली 9 साल की कृति ने उस आदमी के साथ लालू को जाते देखा था। हाँ जी बोलिए। लालू गुप्ता को अभी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं आपको बता सकती हूँ कौन लालू को अपने साथ ले गया है और क्यों ले गया है। हाँ, कौन ले गया है लालू को, किसके साथ है वो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों के साथ खेल रहा था ना राधिका, तो दोस्तों से पूछो कहाँ गया लालू। हाँ पूछा, ये सब कह रहे कि वो लुका छिपी खेल रहा था इनके साथ, कहीं जाकर छुप गया और बाहर आया ही नहीं। काजल गई है पूरे मोहल्ले में सबसे पूछने। ए लालू, 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 लालू बेटा, लालू कहाँ चले गया? लालू, लालू, ए लालू, 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 लालू। बेटा रिंकू, ऐसे कैसे लालू कहीं छुपा और आप लोगों को दिखा नहीं, आपके साथ ही खेल रहा था ना? हाँ शांति, यही खेल रहा था, बहुत ढूंढा हम सब ने लेकिन मिला ही नहीं। रिंकू ने सबको आउट कर दिया था, बस लालू रह गया था। हम सब ने कितना चिल्लाया लालू लालू, पर वो बाहर आया ही नहीं। वो घर चला गया है। मम्मी, मम्मी, मिला लालू? प्रीति ने उसे देखा था। कहाँ? ठीक से बोल। लालू किसी के साथ जा रहा था। जा रहा था? किसके साथ? कहाँ जा रहा था? वो किसी के साथ चलकर जा रहा था आंटी। बेटा कृति, पर कहाँ जा रहा था? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर वहाँ वहाँ से जा रहा था वो एक अंकल के साथ। अंकल? कौन थे वो अंकल? मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इधर खेल रही थी। रिंकू बेटा, किस अंकल के साथ गया है लालू? अंकल मैंने देखा ही नहीं, लालू कब गया, किसके साथ गया? वीरू भैया, कहीं आपका भाई सुरेंद्र तो नहीं था? इतवार का दिन है, हो सकता है लालू को कहीं घुमाने ले गया हो। वीरू भैया प्रणाम। अच्छा सुरेंद्र, लालू तुम्हारे साथ है क्या? लालू नहीं तो? अच्छा दोपहर में कहीं घुमाने ले गए थे उसे? नहीं वीरू भैया, मैं तो सुबह से घर पे ही हूँ, पर आपके मोहल्ले की तरफ भी नहीं आया, और वैसे भी आपको बिना बताए लालू को मैं कहाँ लेके जाता? लालू गुम हो गया है सुरेंद्र। ऐसे कैसे भैया? अरे पता नहीं, यहीं खेल रहा था और किसी अंकल बंकल के साथ चला गया, और किसी को पता ही नहीं वो अंकल कौन था। मैं वहां पहुंच रहा हूँ वीरू भैया। क्या हुआ? लालू खो गया है महिमा, जल्दी चलो। अर्पिता जी, पूरा मोहल्ला छान लिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि लालू किसके साथ गया होगा,
पर वीरू भाई, लालू खुद से गया है, कोई ना कोई आपके पहचान वाले ही होगा ना। अरे ऐसे कैसे जान पहचान वाला होगा जो बिना हमसे बताए हमारे बच्चे को लेकर चला जाए। एक मिनट बेटा कृति, वो जो अंकल थे वो अपने इसी मोहल्ले के थे, ऐसा लगा तुम्हें? मैंने तो उनका फेस ही नहीं देखा दीदी, मैंने खाली देखा कि लालू जा रहा है और वो भी ऐसे ही देखा, ध्यान से नहीं। वो लालू को जबरदस्ती लेके जा रहे थे क्या? नहीं। लालू रो रहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, और मैंने ठीक से देखा ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि लालू कहीं जा रहा है और फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन लालू तो ग्राउंड में ही खेल रहा था ना, वीरेन भाई कोई ना कोई पहचान वाला होगा। अरे कैसे जान पहचान, सब बच्चे वहीं पे खेल रहे थे, सिर्फ लालू गायब हो गया वहां से। एक मिनट कोई एक जन ठीक से बताइए हुआ क्या था। राधिका जी आप बताइए, पूरी बात बताइए हुआ क्या था। हाँ, दोपहर को मैं, काजल और लालू खाना खा रहे थे, जब लालू ने जल्दी खाना खत्म किया। अरे लालू थोड़ी देर सो जा, उसके बाद जा खेलने। नहीं मम्मी, पहले मैं खेलूंगा फिर मैं आकर सोऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। अरे लालू आधे घंटे में लौट आना, समझा क्या? फिर मैं और काजल सो गए, दरवाजे की कड़ी भी नहीं लगाई ताकि लालू के लिए खोलना ना पड़े। फिर 3:30 के आसपास मैं उठी, देखा तो लालू तब तक नहीं लौटा था। मैं बुलाने गई तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। फिर ये कृति, इसने बताया कि इसने लालू को किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा, आराम से जा रहा था। मोहल्ले में पूछा आप लोगों ने उस आदमी के बारे में? सर मोहल्ले में सबसे पूछ लिया, सबसे। सर 3 गलियां हैं, सब जगह ढूंढा। मोहल्ले में किसी के घर पे तो नहीं है, कोई ले गया हो, टीवी फिल्म वगैरह देखने बैठ गया हो घर में? अरे नहीं मैडम, अगर ऐसा कुछ होता तो वो सामने से आकर खुद नहीं कहता कि लालू हमारे घर पे है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि लालू गायब है। चलिए वो जगह दिखाइए जहाँ से लालू उस आदमी के साथ जा रहा था। यहाँ से गए थे वो, इस तरफ। हाँ, और मैं वहाँ खेल रही थी घर के बाहर। बेटा ये जो अंकल था लालू के साथ, ये कैसा था? मोटा था, पतला था, लंबा था, नाटा था? मोटे नहीं थे, शायद लंबे थे। क्या पहना था उसने? शर्ट एंड पैंट। और मैंने सिर्फ लालू को ही अच्छे से देखा, अंकल को नहीं। वो अंकल ने लालू का हाथ पकड़ा हुआ था? हाँ पकड़ा था। सर 8:30 हो गए, सर बहुत बहुत डर लग रहा है। सर हम समझ रहे हैं वीरू, और ये भी समझ रहे हैं कि वो आदमी जो भी था लालू से अच्छे से पहचानता, क्योंकि मोहल्ले का हो सकता है, या फिर आपकी जान पहचान का कोई, या फिर कोई दोस्त या रिश्तेदार। लेकिन कोई जान पहचान वाला होता तो लालू का पता लग जाना चाहिए था ना सर। देखो सीधी सी बात है, लालू उस आदमी को जानता था और अब तक लौटा नहीं है, डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। आपने अपने जान पहचान वाले सभी लोगों में पूछा जो इस मोहल्ले में भी नहीं रहते लेकिन लालू को जानते हो? ऐसा कौन लालू को यूं ले जाएगा? वीरू जी, राधिका जी, लालू की तस्वीर दीजिए, हम सर्च शुरू करते हैं। दरअसल मैं यहाँ की सोशल वर्कर हूँ, एक छोटा सा लर्निंग सेंटर चलाती हूँ बच्चों के लिए। अर्पिता हमें तुम्हारी मदद लगेगी, मोहल्ले में हर घर की तलाशी लेनी होगी। मैडम मोहल्ले के लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। ना हो, पर तलाशी तो होगी। मुझे 99% यकीन है कि मोहल्ले के ही किसी ने बच्चे को घर में छुपाया है, हमें कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। चूंकि तुम मोहल्ले में हर किसी को जानती हो, तुम्हारी मदद लगेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे सब कुछ छोड़ छाड़ के राधिका जी के साथ लालू को ढूंढने मैं गई थी, पर आप लोग मेरे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। आशा जी, पुलिस हर घर तलाशना चाहती है, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आप पर खास शक है। मेरी बच्ची कृति की वजह से आपको पता चला कि लालू किसी आदमी के साथ चला गया, और आप मेरे ही घर में उसकी तलाशी ले रहे हो? देखिए सिर्फ आपके घर की तलाशी नहीं ले रहे, इस मोहल्ले में हर एक घर में लालू को ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्या मतलब है आपका? क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? कोई तो है जान पहचान का जो सच नहीं बोल रहा है। मेरे घर की तलाशी? मेरे घर की? हाँ आपके घर की तलाशी, आप इस मोहल्ले में नहीं रहते ना। चाचा हूं मैं लालू का, भैया भाभी को बिना बताए उसको ले जाऊंगा खेल के बीच में से। देखिए तलाशी तो लालू के पापा के घर भी ले जाएगी, आप ये बताइए आप कहाँ रहते हैं, तलाशी तो हम लेकर रहेंगे। चलिए
पूरे जबलपुर में लालू के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स सर्कुलेट कर दी गई, लेकिन किसी ने भी लालू को उस आदमी के साथ नहीं देखा। बस और रेलवे स्टेशन सब जगह के सीसीटीवी स्कैन किए जा रहे हैं। मोहल्ले की हर एक दुकान, हर एक घर खंगाला, सबसे बात की। लालू के फादर की नाश्ते की दुकान है ना? हाँ सर, एक भवानी नगर के पास है और दो चार और हैं शहर, कुछ चाय के ठेले भी हैं। मतलब अच्छी खासी कमाई है। छोटा भाई सुरेन एक फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर है। मैं रात भर सोचता रहा कि कौन हो सकता है, ऐसा कौन हमारा करीबी हो सकता है जिसके साथ लालू जा सकता है। तो किस नतीजे पर पहुंचे, कौन हो सकता है? कुछ नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वीरू, राधिका जी अभी तक लौटा नहीं है लालू, लेकिन हमने सर्च लॉन्च कर दी है और जहां जहां से हो सके सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा रहे हैं। लेकिन आप जरा सोच के बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है जिसके साथ लालू जा सकता है बिना किसी डर के, बिना किसी शक के, लेकिन जिसकी आपके साथ कोई अनबन हो, कोई लड़ाई हो। मतलब आप कह रहे हैं कोई मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है मेरे बच्चे के जरिए? देखिए, हो सकता है, और हम इसीलिए लालू को जल्द से जल्द ऐसे किसी भी खतरे से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारी किसी के साथ ऐसी लड़ाई थी नहीं कभी, वो भी ऐसी दुश्मनी कि कोई बच्चे को। आप दोनों को कोई बच्चा नहीं है ना? जी नहीं, अभी हम दोनों ने बच्चा करने का फैसला लिया नहीं है, एक दो साल में सोचेंगे। सुरेन, आपके अपने बड़े भाई वीरू से ठीक ठाक बनती है? सर एक मिनट, कल रात से देख रही हूँ आप हम दोनों से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हमने ही कुछ कर दिया हो। लालू हम सबके जिगर का टुकड़ा है, भैया भाभी जितना प्यार करते हैं उतना हम दोनों भी करते हैं उससे। देखिए, दुश्मनियों का धमाकेदार होना जरूरी नहीं है, अक्सर वो लोगों के दिमाग में ही पलती है, छोटे से छोटे झगड़े को लेकर भी हो सकती है। वीरू, हो सकता है तुम्हारे किसी मुलाजिम ने किया हो जिसे लालू पहचानता हो। याद रखिए, लालू अपनी मर्जी से उसके साथ गया है, कोई रोना धोना नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। खा ले बेटा, खा ले, जी भर के खा ले, जितनी चाहिए ना खा ले। लालू तो अपनी मस्ती में ही था जब वो अंकल के साथ चलकर जा रहा था। जब तुमने देखा था तब उस अंकल ने लालू का हाथ ऐसे पकड़ा था या ऐसे पकड़ा था? ऐसे पकड़ा था। ऐसे? हाँ, मैंने ऐसे ही देखा था। कृति, किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं ना? नहीं। किसी ने ये तो नहीं कहा कि कृति बेटा सबको बोलना कि लालू किसी अंकल के साथ गया है? नहीं, किसी ने ऐसा नहीं कहा पिता दीदी। देखो बेटा कृति, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, अब सच सच बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही मैडम, जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रही हूँ। मैडम, कृति झूठ नहीं बोलेगी, बोलेगी भी तो क्यों बोलेगी? और आपने उसके घर की सर्चिंग की, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड भी चेक करवाया, आपको कुछ ऐसा मिला क्या कि उन्होंने लालू के साथ कुछ कर दिया है और अपनी बेटी से झूठ बुलवाया? अर्पिता, तुम तो इस मोहल्ले में हर घर के अंदर की कहानियां जानती होगी, एक बात बताओ, क्या इन दोनों भाई वीरू और सुरेन और उनकी पत्नियां महिमा और राधिका, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन थी? हाँ, मुझे लोगों के छोटे मोटे मसलों के बारे में जानकारी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इस मोहल्ले में इस तरह की क्रिमिनल हरकत करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। बच्चे को गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, पूरे शहर में हमारी टीम्स उसकी फोटोग्राफ्स लेकर उसे ढूंढ रही हैं, एक एक सीसीटीवी जहां से हो सकता है ढूंढा जा रहा है। हमें पता है लालू की जान खतरे में हो सकती है। सर, भवानी नगर मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर एक ज्वेलरी शॉप है, उसके सीसीटीवी में लालू और वो आदमी दोनों दिखे हैं, दोनों टेम्पो में है सर। सर, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि लालू तो दिख रहा है साफ साफ, लेकिन उस आदमी के सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। सर, टेम्पो का नंबर आरटीओ भेज दिया है और खबरियों को भी बोल दिया है टेम्पो का पता लगाने के लिए। एक बार फैमिली को भी दिखा दो, सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं आदमी के।
लेकिन शायद पहचान ले। नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा है। जी नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वीरू, तुम्हारे दुकानें ठेले जितने भी हैं, सभी के सभी कर्मचारियों की डिटेल्स चाहिए मुझे। इतवार का दिन था 3 जून, हर कर्मचारी दोपहर में कहाँ था ये पता करना है। मैं खुद सबसे बात करूँगा। जी। तीन जून को इतवार की दोपहर को तुम क्या कर रहे थे? मालिक, मैं तो दुकान पे समोसे तल रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? फजल मोहम्मद। क्या करते हो तुम? सर, वेटर हूँ। लालू गुप्ता के पिता वीरू गुप्ता के 3 दुकानों और 4 चाय के ठेलों के हर कर्मचारी की बारीकी से पूछताछ हुई। हर एक के स्टेटमेंट की क्रॉस चेकिंग हुई, बैकग्राउंड चेकिंग भी हुई। सब चूंकि ऐसा लग रहा है कि लालू अपनी मर्जी से गया है, आप ये पकड़ के चल रहे हैं कि कोई जान पहचान वाला होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अजनबी है जो बच्चों से दोस्ती कर लेता है, जो बच्चों को फुसलाना जानता है। ये तस्वीर देखी तुमने अर्पिता? देखी। कैसे शांति से बैठा है लालू, ऐसा लगता है हंसी खुशी बात हो रही है इस आदमी से। सर, बच्चों से दोस्ती करना कौन सी बड़ी बात है? कई बच्चे चॉकलेट आइसक्रीम के लालच में अजनबियों के साथ चले जाते हैं, आप तो जानते हैं ऐसे कई केसेस हैं। टेम्पो ड्राइवर लोकेट हो गया है, उसे यहाँ लाया जा रहा है। तो सिर्फ ड्राइवर है ना, खुद का टेम्पो है? खुद का है साहब मेरा। 3 जून इतवार, भवानी नगर मार्केट के पास का है ये? भवानी नगर मोहल्ले के पीछे वाली गली से बैठे थे ये दोनों, और कुल मिला के 20 रुपये लिए थे इस आदमी से मैंने। छोड़ा कहाँ? देवी चौक के टी जंक्शन पर, वहाँ। भैया, देवी चौक छोड़ देंगे? 20 रुपये लूँगा दोनों के, पीछे बैठना पड़ेगा। आगे सामान रखा, मैं सामान पीछे नहीं रखूँगा। ठीक है। वही आ गया देवी चौक। ये था नहीं, ये तो नहीं था। तो फिर कौन था जिसके साथ तेरी सेटिंग है बच्चा उठाने की? कब से चला रखा है गोरख धंधा? साले बच्चों का ट्रांसपोर्ट करता है, कब से कर रहा है काम? ओ साहब, दिन में से 50 लोगों की सवारी बिठाता हूँ मैं, ताकि मेरा टेम्पो खाली ना रहे और 2 पैसे ज्यादा कमा सकूं। अरे क्या बच्चे उठाने वगैरह लिए नाप शनाप बातें कर रहे हैं? अरे खुद बच्चों वाला आदमी हूँ मैं, ईमानदारी की खाता हूँ। हमारे स्केच आर्टिस्ट के साथ बैठ, शक्ल याद कर और बताता जा। नहीं याद है मुझे उसकी शक्ल, नहीं बैठूंगा मैं आपके स्केच वेच के लिए। कहाँ है मुझे? सेवक राम, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। तो क्या आप ठीक कर रहे हैं मेरे साथ? 35 साल से जबलपुर में रहता हूँ मैं, 12 साल से टेम्पो चला रहा हूँ मैं, लाइसेंस मेरे पास है, आज तक गाड़ी की ओवरलोडिंग तक मैंने नहीं की, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा मैंने, और आपने 1 मिनट में मुझे बच्चे उठाने वाला बना दिया। अरे पूछे किसी से भी, एक भी पार्टी की डिलीवरी आज तक लेट नहीं हुई। अरे ये 2 आदमी मेरे टेम्पो में बैठ के गए, इनका सिम अपने सर पे लेके घूमूंगा मैं? आपने पूछा किसी से कि सेवक राम कौन है क्या है? आप सिर्फ 1 आदमी लाइए मेरे सामने, सिर्फ 1, जो मेरे बारे में बुरा बोल सके। बैठ जाओ, बैठ। देख, पूछताछ की गर्मी में बोल दिया कुछ, पूछ लिया कुछ, अब फटाफट स्केच बनवा दे। बच्चा गायब हुआ है सेवक राम, सोच माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। जितना याद आएगा बता दूंगा मैं, इनकी शक्ल दिमाग में छिपा लिए नहीं घूमता फिरता मैं। सर, सर एक औरत ने फोन किया था, वो लालू के किडनैपिंग के बारे में बोल रही थी। हाँ जी बोलिए। लालू गुप्ता को अभी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं आपको बता सकती हूँ कौन लालू को अपने साथ ले गया है और क्यों ले गया है। हाँ, कौन ले गया है लालू को, किसके पास है वो? लालू इस वक्त जबलपुर में नहीं है। तो फिर कहाँ है और आप कौन बोल रही हैं?
प्रीति ने उठवाया है लालू को। प्रीति, ये प्रीति कौन है और कहाँ रखा है उसने बच्चे को? पता नहीं किसी ने आप लोगों को अब तक क्यों नहीं बताया प्रीति के बारे में, सब झूठ बोल रहे हैं। पता करो प्रीति के बारे में, प्रीति लालू को भोपाल लेकर गई है। हेलो हेलो, बस यही बात हुई थी सर। तो मोहल्ले में कोई प्रीति है? सर ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, लिस्ट देखनी पड़ेगी। कॉलर ने कहा सब झूठ बोल रहे हैं, मैं फैमिली से बात करता हूँ, पूछता हूँ मजरा क्या। और ये भी तो कहा ना कि अब तक प्रीति के बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। प्रीति कौन है ये प्रीति? वो जो भी है, मेरा लालू क्यों चाहिए उसे? उसे पैसे चाहिए ना, दे देंगे हम, जितने चाहिए उतने दे देंगे। कोई पैसे मांगे तो सही, एक भी फिरौती का कॉल नहीं आया। और वो औरत जिसने फोन किया था, उसे कैसे मालूम कि लालू गायब है? जरूर मोहल्ले से कोई उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन सर हम किसी प्रीति को नहीं जानते। जी नहीं, मैं किसी प्रीति व्रीति को नहीं जानता। तुम्हारे वीरू भैया वो किसी प्रीति को जानते हैं? मुझे पता नहीं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। भोपाल में तुम लोगों का कोई कनेक्शन है? जी नहीं, हमारा जो कुछ भी है सब जबलपुर में। फिर भी सुरेन कोई तो है जो मोहल्ले की खबर बाहर लीक कर रहा है। हम अब भी कह रहे हैं कि अंदर की बात है। देख वीरू, अब तेरी पत्नी भी नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे बता दे इस प्रीति का क्या माजरा। देख डर मत, हम तेरी पत्नी से कुछ नहीं कहेंगे, बस अपनी भोपाल वाली गर्लफ्रेंड का एड्रेस दे दे, कम से कम बच्चे को तो छुड़ा लाए वहाँ से। सर किसी भी प्रीति से मेरा कोई अफेयर नहीं है सर, और भोपाल में तो मैं किसी को जानता भी नहीं। वीरू सच बोल रहा है? सर मेरा बच्चा उठा लिया है किसी ने, और मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र। सर लालू की फोटो और उसकी डिटेल्स भोपाल पुलिस को भेज दिए हैं, और अपने लैंडलाइन के फोन रिकॉर्ड्स के लिए रिक्विजिशन भी हमने दे दी है, लेकिन वो कहते हैं कि 3-4 दिन का टाइम लगेगा। उनसे बोलो डबल अप, 6 साल का बच्चा है, गायब है। वीरू के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, बंदा कुछ तो छुपा रहा है। अर्पिता उसकी वाइफ से अलग से बात करेगी, शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही मामला होगा। राधिका अगर कुछ छुपा रही हो तो याद रखो लालू खतरे में है। अर्पिता जी मुझे लालू की फिक्र नहीं होगी, जब से इस प्रीति का नाम आया है मेरी परेशानी दुगनी हो गई है। मैंने इनसे कितना पूछा कौन है क्या है, बोल रहे पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी औरत के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डालेंगे। वीरू भैया कोई गंदा गेम खेल रहा है हमारे साथ, भाई जो कोई भी है हमारे बीच से ही है। अगर किसी को मुझसे गिला शिकवा है तो मुझ पे वार करे ना, बच्चे पे क्यों? ऐसा कोई है जिसे गिला शिकवा है आपसे? वो जो भी है प्रीति फीति, अगर उसे पैसे चाहिए तो मांगे ना, मुंह फाड़ के ठूस देंगे, जितने चाहिए उतने दे देंगे, बस मुझे मेरा लालू वापस दे दे। शायद वो तुम्हें दर्द देना चाहती है। क्या? शायद उसे पैसे चाहिए ही नहीं, तुम्हारी तकलीफ ही उसकी फिरौती है। कौन है ये प्रीति, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर प्रीति कोई है जिसने ये बच्चा उठाया है तो ये दूसरी औरत ही है, ये कॉलर जो जानती है कि प्रीति ने ऐसा किया है और बच्चे को लेकर चली गई है भोपाल। लालू लुका छिपी खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, एक आदमी आता है उसे अपने साथ ले जाता है और लालू बड़े प्यार से उसके साथ चला भी जाता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अचानक से ये प्लान बनाया गया हो, कुछ टाइम से प्लान बना रहे होंगे, मौका लगा और प्लान को अंजाम दे दिया। मुझे अभी लगता है सर ये बच्ची कृति हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन लालू को उठाने वाला आदमी झूठ नहीं था, वो टेम्पो सीसीटीवी, मतलब मोहल्ले से भी लालू को वही आदमी ले गया होगा। कोई भी घर छूटा तो नहीं तलाशी के वक्त? नहीं सर, घर टू घर चेकिंग की, बंद घरों के ताले तोड़वाए। वीरू के भाई सुरेन का घर कुछ हाथ तो नहीं लगा सर, लेकिन सुरेन के बारे में कुछ अटपटा लग रहा है। दोनों भाइयों में अनबन हो भी तो भी सामने नहीं आ रही, वीरू तो खुद अपने मुंह पे ताला लगा के बैठा। कहीं ये प्रीति कोई मनगढ़ंत कैरेक्टर तो नहीं जो हमें गुमराह करने के लिए रची गई? तो फिर वो औरत कौन हो सकती है जिसने फोन करके इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी? अरे वो प्रीति तो इसी मोहल्ले में रहती थी, इसी घर में, ये देखो। क्या शांति, आप अभी बता रही हो? अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया था, बहुत जोर लगाया तभी मुझे याद आया। यहाँ पर ना उसके पति संजय के साथ रहती थी वो। बच्चे बच्चे? बच्चे तो उनके नहीं थे। ये पति संजय क्या काम करता था? भवानी नगर मार्केट में उनकी मोबाइल की दुकान थी। घर छोड़कर कब गए? ये तो याद नहीं है, मगर परिमल नगर में एक रमेश जी करके हैं, उन्हें पता होगा। रमेश जी वो कौन है? प्रीति का मकान मालिक।
सर कुछ एक महीने पहले घर छोड़ा था इन दोनों ने, और तभी से इस प्रीति के पति संजय कुशवाहा ने अपनी मोबाइल की दुकान भी बंद कर दी। कुछ पता चला कहाँ गए ये लोग? मकान मालिक ये तो नहीं बता पाया, लेकिन इतना बताया कि ये संजय भोपाल से बिलोंग करता था। भोपाल का एड्रेस? मकान मालिक रमेश जी एग्रीमेंट के साथ पहुँच रहे हैं, उसमें एड्रेस जरूर होना चाहिए। हाँ सर, नाम सुना है मैंने दोनों का, प्रीति और संजय। हमारे मोहल्ले में रहते थे, लेकिन मेरी कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कभी मिला नहीं मैं उनसे। हाँ सर, मेरी भी बस प्रीति से एक दो बार ही बात हुई थी। फोन करने वाली औरत ने बताया कि प्रीति लालू को लेकर भोपाल गई है, और ये जोड़ा प्रीति और संजय ये भी भोपाल को बिलोंग करते हैं। ये बात तो आप हमें पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उन्हें हमारे लालू से क्या दुश्मनी है सर? नमस्ते सर। सर ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। नंबर एक। इसमें तो सिर्फ संजय की फोटो है, प्रीति की नहीं। सिर्फ संजय के साथ ही एग्रीमेंट हुआ था सर। The number you have called is currently switched off. सर, ये संजय का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ सर, मैंने भी ट्राई किया था, स्विच ऑफ बता रहा था, भोपाल का एड्रेस लेकिन एग्रीमेंट में है ना। हाँ सर, इसे अपने मोहल्ले में आते जाते देखा है। एक महीने पहले घर छोड़ा इसने और उसकी पत्नी प्रीति ने। पर मेरा लालू ही क्यों? ये तो आप हमें बताइए। सीसीटीवी ग्रैब में ये पता नहीं चल रहा है कि ये आदमी संजय है भी या नहीं। लेकिन जो खबर उस फोन करने वाली अज्ञात औरत ने दी वो गलत नहीं है, नाम और जगह फिट बैठ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हमारी एक टीम भोपाल के लिए निकली ये पता लगाने कि संजय और प्रीति कुशवाहा ने अगर लालू को अगवा किया है तो क्यों किया। भवानी नगर जहां लालू रहता था और जहां से गायब हुआ था, वहां हमें इस प्रीति की लीड मिली जिसके बारे में हमने हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा की। प्रीति कुशवाहा का तो जानती नहीं थी क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे ना जो यहाँ पे आते, लेकिन हाय हेलो होती थी। पर ये मेरी समझ के टोटली बाहर है कि वो लालू को किडनैप क्यों करेगी। अर्पिता, मुझे लगता है तुम्हें एक बार और प्रीति से बात करनी चाहिए। अभी भी आपको डाउट है कि वो झूठ बोल रही है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ बोल रही है, पर मुझे लगता है उसे कुछ बुलवाया गया है। ओके, मैं बात करती हूँ उससे दोबारा से। हेलो प्रीति, झूठ बोल रही है। अज्ञात औरत का फोन कॉल दोबारा आया। ये कॉल तब आया जब हमारी टीम भोपाल में प्रीति कुशवाहा तक पहुंच चुकी थी। इन फोन कॉल्स के बारे में कुछ था जो हमसे छूट रहा था, नजरअंदाज हो रहा था। उसमें छुपी हुई एक चाल हमारे जहन में आ ही नहीं रही थी। इन फोन कॉल्स के बारे में कुछ तो अजीब था। जी संजय कुशवाहा। जी मैं ही हूँ। लालू कहाँ है? लालू कौन? लालू ये लालू, 6 साल का लालू गुप्ता। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये तुम हो। 3 जून दोपहर 2:25 पर तुमने जबलपुर से लालू का अपहरण किया, फिर इस टेम्पो में बैठ के तुम देवी चौक उतरे और फिर जबलपुर से यहाँ भोपाल आ गए। दिमाग तो ठीक है आपका, क्या बकवास कर रहे हैं आप? लालू का अपहरण तुमने अपनी पत्नी प्रीति के कहने पे किया ना? कहाँ है वो, बुलाओ उसे। पागल हो गए क्या आप? प्रीति कहाँ है संजय, बुलाओ उसे। एक एक कोना छान मारो, जाओ। एक मिनट, कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे किस बात की तलाशी, मैं कह चुका हूँ कि इस बच्चे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्रीति आप ही हैं? हाँ मैं प्रीति हूँ, क्या क्या बात है? लालू गुप्ता कहाँ है? लालू गुप्ता कौन? लालू गुप्ता वही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ, कौन है लालू गुप्ता भाई? भवानी नगर जबलपुर, वीरेंद्र गुप्ता और राधिका गुप्ता का बेटा लालू गुप्ता। तलाशी लो जाके, रोकने की सोचना भी मत संजय, चलो। लेकिन सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। और सर जबलपुर छोड़े हमको 1 महीना हो चुका है, और उसके बाद तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। देखिए उसका मेरा निजी कारण है। निजी कारण? एक 6 साल का बच्चा गायब हुआ है, उसके माँ बाप के लिए इससे ज्यादा निजी कारण और कुछ नहीं हो सकता। और वो निजी कारण तुम लोगों के कैद में है,
अब सवाल ये उठता है कि तुमने उसे उठाया क्यों और वो है कहाँ? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे ऐसे कैसे मिलेगा बच्चा जब वो यहाँ पर है ही नहीं? हम क्या आपको बच्चा चुराने वाले लगते हैं? देखिए सर, या तो आपको कोई गलतफहमी हुई है या फिर हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अरे 3 तारीख को तुम यहाँ पर भोपाल में थे। सर अंदर बच्चा नहीं है सर। फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? वो एक्चुअली सर जबलपुर में मेरी मोबाइल फ़ोन की दुकान थी जो चली नहीं, अब लेनदार हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे तो यहाँ भोपाल आ गए और यहाँ आने के बाद अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। हम बच्चा चुरा कर करेंगे क्या सर? आप लोगों का अपना बच्चा नहीं है ना? कैसा वाहिया सवाल कर रहे हैं आप? अगर किसी के बच्चा नहीं है तो क्या दूसरे का बच्चा चुरा लेगा? बच्चा ना हुआ आम अमरूद हो गया। राधिका गुप्ता से झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा? एक आध बार मार्केट में हालचाल पूछ लिया होगा, उसको आप झगड़ा बोलते हैं? अच्छा सर, ये आपको हमारे बारे में बताया किसने? क्या फर्क पड़ता है? कमाल है सर, हो सकता है कि असली गुनहगार तक पहुंचने में हम आपकी मदद कर सके। हमें एक औरत का फोन आया था, बस प्रीति का नाम लिया, उसने बोली कि तुम बच्चा लेकर यहाँ भोपाल आई हो। तो आपको उस औरत ने ये नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको किसी ने फोन किया और आप सीधा हमें बच्चा चुराने वाला करार देने लगे। भोपाल पुलिस के 3 कांस्टेबल संजय के दोस्त रिश्तेदार सबके घर खंगाल रहे हैं, मेरी क्वेश्चनिंग चल रही है। पड़ोसियों से बात हुई? हुई सर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही उनके पास इन दोनों के बारे में कुछ खास कहने को है, ना ही हमारे हाथ कुछ लग रहा है। ये हो क्या रहा है? वो फोन कॉल, बच्चा आखिर है कहाँ? हमने भी सेवक राम को यह संजय की फोटो दिखाई, लेकिन वो कह रहा है कि संजय वो आदमी नहीं है जिसे उसने टेम्पो में बिठाया था। हम प्रीति तक पहुंचे ही थे जब हमारे थाने का लैंडलाइन फिर बजा। फिर से हमें उस अज्ञात औरत ने एक टिप दी। हेलो प्रीति, झूठ बोल रही है। पहले तो आप बताइए कि लालू कहाँ है और आप कौन है? प्रीति ने ही लालू को उठवाया है। हमें तो लालू प्रीति के घर में या भोपाल में कहीं और नहीं मिला, और आप हैं कि उसका नाम लिया जा रही है। अरे आप हैं कौन और चाहती क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रही बात लालू ना मिलने की, कैसे मिलेगा? प्रीति ने लालू का मर्डर कर दिया है। देखो तुम अब खेल खेल रही हो, बातें घुमा रही हो। भोपाल के एक नाले में उसे मारकर फेंक दिया है प्रीति ने। आपको ये पता होना चाहिए था, पता करना चाहिए था। अब तक पता क्यों नहीं हुआ, ये मेरी समझ के बाहर है। सर जो भी है वो औरत पर बड़ी अजीब सी है, ऊपर से 6 दिन हो गए हैं सर लालू को गायब हुए। सर इस प्रीति और संजय को कस्टडी में लेना बनता है। भोपाल पुलिस को अलर्ट भेज देते हैं नालों की चेकिंग के लिए। अब वो औरत कह रही है तो शायद सच भी हो। हाँ सब करेंगे, लेकिन कुछ तो एक गणित है जो बैठ नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लालू के घर वाले किसी पे कोई शक ही नहीं कर रहे, किसी एंगल की तरफ कोई लीड ही नहीं दे रहे? देखिए मैडम, बहुत गलत करी हमारे साथ आप। अरे हमने कुछ नहीं किया है। एक तो आप बता भी नहीं रही है कि कौन हमारा नाम ले रहा है, ऐसे तो कोई भी किसी को अंदर करवा दे। प्रीति, जिसने तुम्हारा नाम लिया है वो तुम्हें और लालू के परिवार दोनों को जानती है। जानती है, औरत है। हाँ, और वो ये भी जानती है कि तुम दोनों ने लालू को मार के कहाँ फेंका है। झूठ है ये, सरासर झूठ। बेबुनियाद आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोग। पहले बोला बच्चे को उठा लिया, उसके बाद बोला बच्चे को मार दिया। अरे कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी। एक हफ्ता बीत चुका है, आप लोग अभी तक ना कोई प्रोग्रेस कर पाए हैं, ना हमें बता रहे हैं कि वो औरत कौन है जो फोन किए जा रही है। सच कहें तो फिलहाल उस औरत की आइडेंटिटी हमको नहीं मालूम, और हम दावे के साथ ये भी नहीं कह सकते कि वो औरत जो बोल रही है वो सच है भी या नहीं। सर सुनने में आया कि उसने कहा कि प्रीति ने हमारे बच्चे लालू को आप लोग ठीक ठीक बता क्यों नहीं रहे कि आपकी तहकीकात पहुंची कहां तक है? और वो टेम्पो के पीछे बैठा हुआ आदमी, अब उसकी भी पहचान नहीं कर पाए अब तक? कोशिश जारी है अर्पिता, और कोई सामने भी तो नहीं आ रहा उसके बारे में कोई जानकारी लेकर। टेम्पो ड्राइवर सेवक राम से हमने स्केच भी बनवाया, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। और प्रीति और उसका पति संजय, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन टेम्पो ड्राइवर सेवक राम ने उसे देखा और कहा कि वो नहीं था लालू के साथ। देखिए भवानी नगर उसके आसपास के सारे एरियाज हम अच्छे से स्कैन कर रहे हैं, सारी कोशिशें चल रही हैं। जैसे ही कोई खबर हमारे हाथ लगेगी हम तुरंत आप लोगों को बताएंगे। जिससे कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, उसके बच्चे को अगवा कर मार देंगे? अरे बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो सर, लेकिन कोई किसी के बच्चे को नहीं मारता है, कभी नहीं।
एक महीने पहले जबलपुर छोड़कर हम भोपाल गए, उसके बाद एक दिन के लिए भी वापस लौट कर नहीं आए हैं हम। अगर तुमने लालू को नहीं उठाया तो किसको भेजा उठाने के लिए? अरे सर, मैंने किसी को नहीं भेजा है। किसी फकीर से मिले थे तुम लोग? बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चे की बलि या कुर्बानी की बात हुई थी? एक तो आप ऐसे कैसे अनुमान लगा रही है कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, और एक अज्ञात औरत की फोन कॉल, सिर्फ फोन कॉल के आधार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पर आप? हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना सर। आप पहले उस औरत को मेरे सामने पकड़ के लाइए जो मेरा नाम ले रही है। वो भी होगा, अभी हमें मालूम नहीं है वो कौन है। तो फिर हमें यहाँ पर क्यों रोक करके रखा है? जब आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो हमें क्यों यहाँ पे पकड़ के रखा है आपने? ठीक है सर, कोई किसी का नाम ले सकता है ना, ठीक है, कल को उठकर मैं आपका नाम ले लूँ तो? सारे नाले चेक हुए पूरे भोपाल के? जी सर, डाइवर्ट्स भी ओवर टाइम काम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने संजय और प्रीति की तरफ के सारे रिश्तेदारों दोस्तों सभी के यहाँ चेक किया, कोई बच्चा भोपाल लाए जाने की भनक तक नहीं है किसी। सर केस डाउटफुल लग रहा है, यहाँ जबलपुर में भी सर्च ऑपरेशंस का यही हाल है। हो सकता है सर टिप देने वाली औरत गुमराह कर रही हो, झूठी खबरें दे रही हो। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे के मर्डर की खबर भी झूठी हो। वीरू और उसके छोटे भाई सुरेन के फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है सर। वीरू के फोन पर प्रीति का कभी कोई कॉल नहीं? नो सर, प्रीति और संजय के फोन लोकेशंस मंगवाए थे। 3 जून को दोनों की फोन लोकेशंस भोपाल में उनके घर में ही थी। तो फिर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ बच्चे को? हमारे पास है क्या? एक छोटी बच्ची की गवाही कि उसने लालू को एक आदमी का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा, जो ये है, एक CCTV ग्रैब जिसमें आदमी को पहचान पाना नामुमकिन सा है। करें क्या? साला है कौन ये? शाम में देखते हैं। तो जल्दी लौटना आप। क्या? और साथ में एक चॉकलेट भी लेते आना। अच्छा इतनी सी चॉकलेट? नहीं इतनी बड़ी। ठीक है चलो बाय बाय। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? चाचा जी बदला ले रहे हैं। लेकिन ऐसे लालू गुप्ता को गायब हुए अब 9 दिन हो चुके। पूरे 9 दिन बाद लालू गुप्ता की पहली खबर हम तक पहुंची, भवानी नगर से थोड़ी दूर बेड़ा घाट के पास। पुलिस स्टेशन से फोन था, लाश मिली उन्हें बच्चे की, उन्हें लगता है कि लालू की है। याद आ रही थी तुम्हारी। बोला था ना देर से, भुला दे मुझे पूरी तरह से। देख मेरा माथा खराब हो रखा है, मैं कुछ भी कर दूंगी। ऐसा मत बोल, मैंने
मैंने काफी कुछ किया है तेरे लिए। सुन, ना एहसान जताने के लिए फोन कर और ना याद दिलाने के लिए, बस तू फोन मत कर। मेरी जिंदगी में वापस लौटना मत, कहीं और जाके मुंह मार साले। कोई खबर? आपके पति वीरू कहाँ हैं? दुकान पर गए हैं। आपको उन्हें लेकर भेड़ाघाट आना होगा। लालू मिल गया? एक बच्चे की बॉडी मिली है वहाँ की पुलिस को। आप लोगों को चलकर पहचान करनी होगी। पहले हम भोपाल के सारे नाले छान रहे थे पर वहाँ कुछ मिला नहीं। भेड़ाघाट पुलिस का फोन आया, बस अब आप लोग चलकर देखें। राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, चौहान जी, आप? मुझे पता है लालू को असल में किसने मारा। कौन हो तुम? कहीं वही तो नहीं जिसने पुलिस को फोन किया था? पर मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया अर्पिता। हमारे पास अब तक एक भी ऐसा सुराग नहीं था जो हमें बता सकता कि लालू का अपहरण क्यों हुआ था और उसका कत्ल क्यों किया गया था। हम कंफ्यूजन में घिरे थे कि जिस आदमी के साथ लालू इतने आराम से चला गया था और फिर मारा गया था, वो आदमी आखिर था कौन। हम ये जाहिर सी बात समझकर चल रहे थे कि इस आदमी का इस्तेमाल खास तौर पर इस काम के लिए किया गया होगा, लेकिन कत्ल के पीछे हाथ किसी और का ही होगा। लेकिन वो था कौन और उसकी तरफ हमारे पास एक हल्का सा भी इशारा क्यों नहीं था। जिस औरत ने हमें टिप ऑफ दिया था और फिर अर्पिता को कॉल किया था, इन फोन कॉल्स के बारे में कुछ अजीब था। खासकर कॉल करने वाले की आवाज में कुछ था जो अब हमें पता चलने वाला था। हमें क्या पता चला? हम गुनहगार तक कैसे पहुंचे? क्या एक से ज्यादा लोग शामिल थे? क्या मकसद था इस अपहरण का जो अब एक भयंकर मर्डर केस बन चुका था? कल रात इस केस के शेष भाग में हम इन सारे सवालों का खुलासा करेंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।